नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लाइव इवेंट के दौरान रोमन रेंस इन द रिंग एक्शन मैच दिखाई दिए, साथ ही उन्होंने इस इवेंट के दौरान एक टैग टीम मुकाबला लड़ा। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिएगा लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइज WWE का हाल ही में एक लाइव इवेंट बोस्टन में आयोजित हुआ, इस दौरान काफ़ी शानदार मुकाबले देखने को मिले। वहीं पर रॉयल रंबल के लिए ओपोनेंट बने यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और सेथ रोलिंस का आपस में मुकाबला देखने को नहीं मिला, यानी कि उनके बीच किसी भी तरह की स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल रंबल में तय हुआ रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के मुकाबले में बड़ा फेरबदल किया जा चुका है, क्योंकि अगर WWE का ये प्लान ओरिजिनल होता तो इस लाइव इवेंट के दौरान भी रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के बीच स्टोरी लाइन को बिल्डअप किया जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। इस इवेंट के दौरान रोमन रेंस ने एक बार फिर अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर टीम बनाई, यानी कि इस बार रोमन रेंस और द उसोज ने मिलकर बिग ई और द वाइकिंग राइडर्स के खिलाफ एक टैग टीम मुकाबला लड़ा। इस मुकाबले में द ब्लड लाइन ने डोमिनेट करते हुए अपने विरोधियों पर जीत दर्ज की। वहीं सेथ रोलिंस ने डॉल्फ जिगलर के साथ टीम बनाकर बॉबी लैशली और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रिस्ट का सामना किया। हालांकि इस मुकाबले में सेथ रोलिंस जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो सके, लेकिन रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के बीच स्टोरी लाइन को आगे ना बढ़ाना फैंस को काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस लाइव इवेंट के दौरान द शील्ड ब्रदर्स के बीच हीट एक बार फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं गाइज आपने देखा कि रोमन रेंस और ब्रूक लेसनर अलग अलग ब्रांड में चैंपियन बन गए हैं, लेकिन एक दूसरे की राइवलरी भी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि इन दोनों की स्टोरी लाइन रॉयल रंबल से रोड टू रेसलमेनिया के लिए आगे बढ़ जाएगी और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में इन दोनों का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो गाइज क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।